हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड होता है उसको कैसे आपको, जब फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान आप परचेस करते हो तो आपको कैसे उसको उस गिफ्ट कार्ड को आप यूज कर सकते हो आपके खरीदने में टाइम में, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो ही मैं प्रोसेस आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने पिछले फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियो दिया, जैसे फ्लिपकार्ट से कैसे सामान ऑर्डर करते हैं, कैसे जल्दी सामान ऑर्डर करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, ऐसा ही बहुत सारे वीडियो मैंने दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना जो आपके काम आएगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आप फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के वक्त आप कैसे उसको इस्तेमाल आपको करना है। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे फ्लिपकार्ट से गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से। तो जब भी आपके घर में दिवाली हो या किसी के बर्थडे हो या किसी के एनिवर्सरी हो तो आपको कैसे गिफ्ट कार्ड खरीदना है, उसको कैसे उसको सेंड करना है और इस गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वही मैं प्रोसेस आज आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि गिफ्ट खरीदने में आप अगर जाओगे बर्थडे के लिए या दिवाली के लिए आपको बहुत दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है, तो आप और जिसको दे रहे हो उसको पसंद भी ना आए। तो इसलिए गिफ्ट कार्ड कैसे खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से और खरीदने के बाद उसको कैसे सेंड करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ प्रोसेस में आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले आपको फ्लिपकार्ट का जो ऐप से उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्रॉल करके आप एक ऑप्शन आपको मिलता है गिफ्ट कार्ड का, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते तो थ्री लाइन में आपको ऊपर में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल कैटेगरी, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऑल कैटेगरी में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आप देख सकते हो गिफ्ट कार्ड का, ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ई गिफ्ट कार्ड और फिजिकली गिफ्ट कार्ड। ई गिफ्ट कार्ड जो मेल में भेजते हैं और फिजिकली गिफ्ट कार्ड जो आप मंगा सकते हो आपके जो एड्रेस में, आप जिसको देना चाहते हो उसके एड्रेस में आप भेज सकते हो फिजिकली गिफ्ट कार्ड, जैसे एटीएम या पैन कार्ड की तरह होता है फिजिकली गिफ्ट कार्ड, ठीक है। तो मैं आज ई गिफ्ट कार्ड खरीद के दिखाऊंगा और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए फ्लिपकार्ट से, वो भी मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए ई गिफ्ट कार्ड में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 500 से लेकर 1000 तक आप गिफ्ट कार्ड यहाँ पर खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर और कोई इससे 500 से कम आप गिफ्ट देना चाहते हो गिफ्ट कार्ड, तो आपको नीचे यहाँ पर चूज अनदर वैल्यू में आपको क्लिक करना होगा। चूज अनदर वैल्यू में जब क्लिक करोगे और यहाँ पर सेंड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, ये बस यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप जिस मेल में गिफ्ट कार्ड को सेंड करना चाहते हो यहाँ पर आपको सिंपली उसको मेल देना होगा और मेल आपको ध्यान से यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होता है मेल आईडी में तो ये गिफ्ट कार्ड और कोई और किसी के पास ये गिफ्ट कार्ड चला जाएगा और वो इस्तेमाल कर लेगा, इससे फ्लिपकार्ट का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको इसलिए मेल ठीक ठाक मेल आपको यहाँ पर देना होगा, उसके बाद मेल को यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे बर्थडे हो या दिवाली हो या एनिवर्सरी हो, आप कुछ मैसेज यहाँ पर टाइप कर दीजिए अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड वैल्यू आपको यहाँ पर देना होगा, गिफ्ट कार्ड का कितना वैल्यू देख सकते हो, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी देख सकते हो 25 से लेकर 10,000 तक आप गिफ्ट कार्ड यहाँ पर खरीद सकते हो। आपको जो सुइटेबल लगे वही गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से खरीदिए, उसको भेजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 500 का एक गिफ्ट कार्ड खरीदूंगा, तो 500 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आपको देना होगा, आप कितने गिफ्ट कार्ड चाहिए, तो मुझे एक गिफ्ट कार्ड चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गिफ्ट कार्ड आपको अगर चाहिए बल्क में, अगर एक ऑफिस या कॉरपोरेट में आप सभी आप लेबर को आप देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर इस मेल में आपको क्लिक करना होगा बल्क में गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए। मेल में मेल करते आपके सामने बल्क में गिफ्ट कार्ड आप खरीद सकते हो बहुत आसान इजी तरीके से। उसके बाद प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पे में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर चेंज एड और ऐड एड्रेस में क्लिक करके आप अगर किसी को भेजना चाहते हो तो यहाँ पर एड्रेस आप सिंपली ऐड कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर गिफ्ट वाउचर क्वांटिटी भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फिर
इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंकिंग से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं डेबिट कार्ड से करूंगा, तो यह इसलिए डेबिट कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का जो नंबर है, एटीएम का जो नंबर है, यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी मंथ यहाँ देना होगा। उसके बाद सीवीवी आपको यहाँ पर देना होगा। देने के बाद सिंपली पे में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रहा है। जब पेमेंट प्रोसेसिंग चलेगा, आपके रजिस्टर बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होते तो आपको मैनुअली देना होगा। और जब ट्रांजेक्शन होगा, आपको बैक बटन या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होगा। और होने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर था ये प्लेस्ड हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स में क्लिक करके इसका डिटेल्स देखते हो। जैसे ऑर्डर आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका गिफ्ट का पूरा स्टेटस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पर गिफ्ट कार्ड को आप अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड टू वॉलेट में आपको क्लिक करना होगा। और बाद में आप अगर देखना चाहते हो इस गिफ्ट कार्ड को, आपको थ्री लाइन में फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद माय ऑर्डर का जो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना होगा। माय ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो गिफ्ट कार्ड खरीदे थे, ये गिफ्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है मोर। और इसके ऊपर क्लिक करके इसका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर बहुत आसान और इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं अब मेल में जाती हूँ, तो मेल में देख सकते हो मेरे मेल में ही भेजे थे। तो मेरे मेल में ये जो गिफ्ट कार्ड का जो मेल है यहाँ पर आ गया है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मेल में क्लिक करने के बाद आप जिसको भेज रहे हो उसके सामने भी ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जो मैसेज लिखे थे उस मैसेज यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर कितने रुपये का गिफ्ट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको वैलिडेट डेट दिख जाएगा। आपको एक साल के अंदर ये गिफ्ट कार्ड आपको यूज करना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी, आपको पिन मिलेगा, और वैल्यू भी यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं गिफ्ट कार्ड को, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट के अकाउंट में आपको जाना होगा। सिंपली फ्लिपकार्ट अकाउंट में जाने के बाद आपको थ्री लाइन में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑल कैटेगरी में क्लिक करना होगा। यहाँ पर गिफ्ट कार्ड में फिर से आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। इस पेज में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलता है, ऐड टू गिफ्ट कार्ड वॉलेट और चेक गिफ्ट कार्ड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो आपको पहले ऐड टू गिफ्ट कार्ड वॉलेट में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको गिफ्ट कार्ड का नंबर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद पिन यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अप्लाई में आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई में क्लिक करते आप देख सकते हो गिफ्ट कार्ड एडेड हो गया है। तो आपको मैंने बैलेंस चेक करने के, बैलेंस चेक में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हो मेरे यहाँ पर 500 ऐड हो गया है मेरे वॉलेट में। और ये आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस करने वक्त ही यूज़ कर सकते हो। ये आपके बैंक अकाउंट में आप नहीं ले सकते हो। आप अगर फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदते हो तभी ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले से ही इसको ऐड टू कार्ट करके रखे थे। तो इसको मुझे खरीदना है, तो इसको खरीदने के लिए सिंपली यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक करना होगा। बाय नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आप चेंज भी कर सकते हो या ऐड भी कर सकते हो आपका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू में सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर में जो गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, तभी गिफ्ट कार्ड से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और आपके जो फ्लिपकार्ट अकाउंट में जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है तो आपको मैनुअली देके आपको वेरीफाई में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर में सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर था यहाँ पर प्लेस्ड, ऑटोमेटिक प्लेस्ड हो गया, और मेरे 8 सुपर कॉइन भी मुझे यहाँ पर मिले हैं। और व्यू डिटेल्स में क्लिक करके आप यहाँ पर यहाँ से सब कुछ आप ऑर्डर आप ट्रैक भी कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गिफ्ट कार्ड जो है गिफ्ट कार्ड आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। और उसको खरीदने के बाद आप या आपको कोई भेजता है और उस गिफ्ट कार्ड को ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना, इस गिफ्ट कार्ड को आपको इस्तेमाल करना है कोई भी ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट परचेस करके आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।